हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के अर्ली मॉर्निंग 5:30 बज रहे हैं। मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी, उसके बाद पानी गर्म करने रख दिया। पानी भी गर्म हो गया अच्छे से, खूब तेज़ वाला गर्म होना चाहिए। तो ये हमें सबसे पहले खाली पेट पानी पीना चाहिए, बिना कुल्ला किए और सिप सिप करके पीना चाहिए। तो हो सके तो फ्रेंड्स उखड़ू बैठ करके पीना चाहिए, या कैसे भी बैठें लेकिन बैठ के ही पीना चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। उसके आधे घंटे बाद मैं आ गई हूँ अपनी एक्सरसाइज़ करने। तो यहाँ पर फिर मेरी एक्सरसाइज़ हो रही है, तो वही रेगुलर रूटीन है जो हमारा 32 बार फॉर्मूले के साथ साथ फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ करना भी, अपने आप को फिट रखना है, वेट लॉस करना है और फिट पूरे दिन एक्टिव रहना है, तो एक्सरसाइज तो ज़रूर ही करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है संडे 28 मई। तो बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स, संडे वाले दिन तो बहुत बिजी डे हो जाता है। तो बस मॉर्निंग में थोड़ी सी एक्सरसाइज हुई, कपड़े वॉश हुए, क्लीनिंग करी, नहाना धोना, पूजा पाठ सब हो गया है। वो सब मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया, इतनी लंबी वीडियो हो जाती है ना फिर। तो पूजा से निबड़ गई हूँ और बच्चों को दे दिए हैं मैंने, पनीर पराठे बना दिए हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं। तो यहाँ मैं लेके आई हूँ पपाया, क्योंकि पपाया मेरा रखा हुआ था और वैसे तो अनार भी था, लेकिन मैंने पपाया ही कट कर लिया क्योंकि फिर ये ख़राब होने लगता है। वेट लॉस पे चल रहे होते हैं ना, तो मॉर्निंग में हमें सबसे पहले खाली पेट ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाने चाहिए। फ्रूट हेल्दी भी होते हैं और जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, फैट भी नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन अदरवाइज फ्रूट नहीं है तो फ्रेंड्स ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आप फ्रूट ही खाएं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर में फ्रूट नहीं होते हैं, तो ऐसे में हम अपना हल्का और हेल्दी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, जैसे ओट्स, दलिया या जो भी घर में रोटी खाना जो भी बन रहा है वो आप ले सकते हैं लिमिट में। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट हो गया है और मैंने बीच में ना साथ साथ ही दाल भी बॉईल करने रख दी थी और इसे फ्राई भी कर दिया था। और यहाँ कच्चे आम रखे थे, तो इसकी यहाँ मीठी लोज, मीठी चटनी जो भी कुछ कहें, तो बहुत हल्का सा गुड़ डाला था, बस हल्का मीठा करा, ज़्यादा मीठा नहीं करा है। तो क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखना, सेव नहीं करना है, और ज़्यादा दिन के लिए करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से मात्रा में इसमें चीनी या गुड़ डालना होता है। तो आपको थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसकी मीठी चाशनी नहीं बनाई थी। और यहाँ पे आटा भी लगा दिया और सैलेड भी कट करके रख दिया है। और अब बनाती हूँ रोटियाँ जल्दी से, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है और लंच भी हमें टाइम से कर लेना चाहिए जल्दी। तो गाइस, 2 और 2:30 के बीच में हमारा लंच होता है और हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना लंच ले लिया है और लंच में दाल और बहुत सारा सैलेड, एक रोटी, चावल और रायता। तो फ्रेंड्स, यही है मेरा आज का लंच। और हम क्या अपना डाइट में ले रहे हैं, बस छोटी छोटी क्लिप में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कई सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप वेट लॉस कर रहे हो तो चावल खा लेते हो क्या? तो फ्रेंड्स, मैं चावल खा लेती हूँ क्योंकि चावल हम माट पसा के बनाते हैं तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते, फैट नहीं बढ़ाते। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के चावल खा सकते हैं। और अब मैं इस खाने को छोटी छोटी बाइट करके 32 बार फॉर्मूले के साथ खाऊंगी। 32 बार फॉर्मूले के साथ खाते हैं तो फ्रेंड्स थोड़ा सा खाना भी हमारे लिए बहुत होता है, और बहुत हेल्दी खाना लेते हैं, बहुत हल्का लाइट खाना लेते हैं अपने लंच में भी, और यही काफ़ी है मेरे लिए। एक रोटी, चावल है, सैलेड है, बहुत है ये मेरे लिए लंच के लिए। चलिए अभी मैं इसको लंच को करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, लंच हो गया, इसके बाद मैं कपड़े फोल्ड करने बैठ गई थी। सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे कपड़े धोए थे तो सभी कपड़े फिर मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। और बच्चों की वार्डरोब भी मैंने सब क्लीन कर दी थी और अच्छे से सेट कर दिए थे। बच्चे बिखेर देते हैं कपड़े, तो वो लंच के बाद एकदम से सोना नहीं चाहिए खाना खाने के बाद। तो फिर मैं यहाँ पर अपने छोटे मोटे काम निपटा रही हूँ और हाथ हाथ कपड़े भी फोल्ड करके रख दे रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने कॉफ़ी बना दी थी, ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी अपने लिए और बेटी के लिए बना दिया था मिल्क बॉर्नविटे का, तो बस ये हम लोग ले लेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी है शाम का टाइम, तो अभी मुझे जाना है एक बर्थडे पार्टी में। तो फ्रेंड्स, हम 32 बार फॉर्मूला कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्जॉयमेंट को भूल जाएं, कि पार्टी में नहीं जाना, शादी में नहीं जाना, वहाँ खाना पीना हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है, घर के खाने से थोड़ा सा अलग हो ही जाता है। तो नहीं है ना कि हम इन्जॉयमेंट छोड़ दें या वही बोरिंग ज़िंदगी से बाहर भी निकलना चाहिए ना। वेट लॉस भी कर रहे हैं तो भी हमें अपनी इन्जॉयमेंट को बरकरार रखना चाहिए, लेकिन खाने का वहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। तो अब शाम को मैं जाऊँगी तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन हाँ, मैं खाऊँगी सब कुछ थोड़ा थोड़ा, बात नहीं। अगले दिन हम नेक्स्ट डे अच्छे से अपने खूब अच्छे से एक्सरसाइज कर लेंगे और अपना ले लेंगे मैजिकल ड्रिंक, जो कि वेट को बढ़ने नहीं देता, फैट को बढ़ने नहीं देता, तो डाइट को
और हमारी हेल्थ को बैलेंस रखने का काम करता है। तो वो फिर मैं साथ में वो ले लूँगी शाम को आने के बाद। तो चलिए जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी और आपको भी लेके चलेंगे पार्टी में, आज बर्थडे पार्टी में। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बर्थडे पार्टी में, लगभग 9 बजने वाला है और यहाँ पर सभी लोग अभी भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर साथ में है मेरे ये पूनम भाभी, कितनी ब्यूटीफुल है ना, और साथ में है ये वाली भाभी, ये रही हमारी दूसरी भाभी, सब फ्रेंड है दीदी, इधर सारे बच्चे, इधर भी मिलवाती हूँ सबसे। हेलो करो सब लोग, अभी बर्थडे बॉय से भी मिलवाती हूँ मैं आपको। ये भाभी जी बर्थडे बॉय की मामी है ना, छोटी वाली, और ये ताई बर्थडे बॉय की ताई जी है ना दीदी। और इधर है सारी बच्चा पार्टी, तो सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कब केक कटेगा और कब खाने को मिलेगा, तो रहता है ना बच्चों को इंतज़ार। और इधर है बर्थडे बॉय आ गया है, तो यहाँ पर है ये देखिए शुभ, जिसका कि बर्थडे है आज। तो फ्रेंड्स खूब सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दीजिएगा शुभ को। तो फ्रेंड्स अब है डिनर की बारी, तो यहाँ पर लग गया है बच्चों के लिए खाना बिल्कुल देसी स्टाइल में। और यहाँ पर बहुत ही मतलब हेल्दी ही खाना बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ऑयल वाला है या वो, आप देख सकते हैं कढ़ी है, राइस है, पनीर है और मिक्स वेज है, पूड़ी है। तो ऐसे ही है, घर का ही खाना है, कोई बाहर का खाना नहीं है फ्रेंड्स, तो हेल्दी ही है। तो यहाँ पर खाना पीना चल रहा है, सब लोग खाना खा रहे हैं अभी बारी बारी से। तो फ्रेंड्स खाना खा लिया था, डांस भी हो गया, खाना भी खा लिया, और बच्चे फिर भी नहीं आने दे रहे थे, तो यहाँ पर एक म्यूजिकल गेम शुरू कर दिया था पिलो वाला। तो यहाँ पर एक डॉक्टर साहब के पास आया था ये पिलो, तो अभी ने कुछ नहीं। अरे वाह, कविता को याद कर लो, चलो कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझे बनाया गया है मेरे लिए। वाह वाह क्या बात है। तो गाइस 12:30 बज रहा है और खूब इंजॉय किया हमने पार्टी को। तो फ्रेंड्स छोटी छोटी खुशियां हैं जो हमें इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हम खुश रहते हैं तभी हम हेल्दी रह पाएंगे, और खासकर वेट लॉस कर रहे हैं। तो पार्टी इंजॉय कीजिए, बट अपना भी हेल्थ का, खाने का ध्यान रखिए, ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी चाहिए, और बाद में अपना मैजिकल ड्रिंक भी लेना चाहिए, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स जब भी कभी हम पार्टी में जाएं तो कभी भी हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ, बहुत लिमिट में खाती हूँ, और पानी भी हमें फिर आधा एक घंटे बाद ही पीना चाहिए। और इसके साथ ही हमें मैजिकल ड्रिंक लेनी चाहिए या गर्म पानी पी लेना चाहिए, या फिर
हमें अगले दिन मॉर्निंग में अच्छी से एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, और अगले दिन का हमें जो मील है बहुत ही लाइट लेना चाहिए, क्योंकि जब हम हैवी मील ले लेते हैं तो नेक्स्ट डे हमें फिर उसी के हिसाब से लाइट मील लेना चाहिए, ताकि बैलेंस बना रहे और हमारा वेट बढ़ने में नहीं आएगा। तो गाइस, मैं इन सब बातों का ध्यान रखती हूँ, पार्टी भी अटेंड करती हूँ, इन्जॉय भी करती हूँ और खाती भी हूँ। तो आप फ्रेंड्स, आप लोग भी इन सब बातों का ध्यान रखकर अपने वेट को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।